जमुई जिले के एक गांव के 81 साल के एक बुजुर्ग किसान ने ऐसा काम किया है जिसके लिए उन्हें भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। दरअसल अर्जुन मंडल नाम के किसान ने अपने गांव में दुर्लभ औषधि के सैकड़ों पौधे लगाकर पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किसान अर्जुन मंडल ने अपनी मेहनत से एक ऐसा गार्डन तैयार किया है जहां विलुप्त हुए दुर्लभ पौधों का खजाना है। अर्जुन मंडल ने बीते 5 दशक से भी अधिक समय से विलुप्त औषधीय पौधों के 200 से अधिक प्रजाति को अपने गार्डन में लगाकर पूरे देश में अपना परचम लहराया है। इसके लिए किसान अर्जुन मंडल को आगामी 12 सितंबर को दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग दिल्ली श्री सुब्रमण्यम कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रपति महोदय से ये पुरस्कार वितरण का समारोह होगा, उसमें आपको आमंत्रित किया गया। जी जी जी, हम कहीं जाते थे तो नर्सरी में जाते थे, कहीं इकट्ठे कहीं दो गो रोबरा मिल गया, कहीं दो गो कालमेघ मिल गया, दो गो कहीं शंखपुष्पी मिल गया, इकट्ठे नहीं मिलता था। तो हमने कई बड़े बड़े नर्सरी हमें हमने घूमा है। हमारे यहाँ थे डॉक्टर कौशल किशोर जी डीएम थे, उनके साथ उनको बहुत इन सब पेड़ पौधे से लगाव था, और उनके साथ बंगलोर और कलकत्ता के बड़ी बड़ी नर्सरियों में, दिल्ली की बड़ी बड़ी नर्सरियों में हमने घूमा देखा, लेकिन कहीं भी इकट्ठे पौधा नहीं मिल पाता था। हमारे मन में हुआ कि क्यों नहीं, ये शरीर के लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसको हमने नर्सरी स्वरूप में इसको तैयार किया और लोगों को हमने उपलब्ध कराने का कोशिश करते रहे, आज भी कर रहे हैं। किसान अर्जुन मंडल ने बताया कि उन्होंने 1969 में होम्योपैथी डिप्लोमा किया और तब से लोगों का इलाज करना शुरू किया। तब देखा कि दवा कैसे बनती है और किन किन पौधों का उपयोग किया जाता है, जिसको लेकर उन्हें लगा कि क्यों नहीं इसे वे अपने घर के गार्डन में ही लगाकर लोगों का प्राकृतिक जड़ी बूटी से ही इलाज करे और लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि कहीं भी इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह इतनी सारी मेडिसिन के पेड़ पौधे नहीं मिलते थे। इसलिए उन्हें लगा कि एक जगह बहुत सारे पौधों को लगाकर इसका उपयोग किया जाए, और अर्जुन मंडल ने अपनी नर्सरी आरोग्य वाटिका में 200 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधों को तैयार करना शुरू किया। वह इस मामले को लेकर जमुई जिले के उप विकास आयुक्त शशि शेखर ने बताया कि ये अच्छी बात है और उनको भी इसकी जानकारी है कि अर्जुन मंडल हैं जो इस तरह से कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोग प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा में वृक्षारोपण कर रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष में 3,04,000 पौधे लगाए गए हैं और भी अतिरिक्त लगाने का हम लोग सोच रहे हैं। और जो ये अर्जुन मंडल हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो जड़ी बूटी पे विशेष ध्यान देते हैं। तो संजोग है कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में ही उनका अपना कार्य क्षेत्र है और लक्ष्मीपुर के हरला में एक जो हम लोग का गोवर्धन यूनिट बना है उसके बगल में हम लोग हर्बल पार्क मनरेगा से ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें उनको हम लोग टैग करके उनका जो हर्बल का प्रोडक्शन है वो उसको हम लोग प्रारंभ करें। बता दे, अर्जुन मंडल कई विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों को धरातल पर ही नहीं लाए बल्कि विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों को घरों में लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। इस कारण ये बुजुर्ग किसान सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं। अर्जुन को उनके इस काम के लिए पहले भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। नेशनल अवार्ड के लिए नामांकित होने से उनके गाँव और जिले के लोगों में खुशी की लहर है।